पिछोर विधानसभा में किया गया मातृ शक्ति सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन। पिछोर मातृ शक्ति सम्मेलन में पहुंची केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। भाजपा द्वारा गुना संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना उम्मीदवार चुना है। चुनाव प्रचार को लेकर आज पिछोर के कनकने मैरिज गार्डन में मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कार्यक्रम में आई हुई माताओं बहनों से निवेदन करते हुए कहा कि आप सभी ने मुझे 25,000 वोट से जिताया था। इस बार महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1,00,000 से अधिक वोटों से जिताएंगे और महाराज सिंधिया के हाथ मजबूत करेंगे। और उन्होंने भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करना चाहती है। मुख्य अतिथि प्रियदर्शनी सिंधिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस क्षेत्र में पहले न लाइट थी, न सड़क थी, न पानी की व्यवस्था थी। देखते ही देखते क्षेत्र की दशा एकदम बदल गई। 300 साल पहले से इस क्षेत्र में सिंधिया परिवार काम कर रहा है। न किसी की जाति देखी और सिर्फ एक चीज देखी, काम में हर चुनाव में आती हूँ और मुझे लगता है कि महिलाएं पीछे रह जाती हैं। आज इस कार्यक्रम में महिला शक्ति अधिक से अधिक संख्या में दिख रही हैं। आने वाली 7 तारीख को अपने महाराज को अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनाए। सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। न लाइट मिलती थी, न घर थे, सब छोटे छोटे गांव थे, झोपड़ी थी, पानी का व्यवस्था बिल्कुल नहीं था और रोड तो एक भी नहीं था। मैं शहर की लड़की यहाँ आई और मैंने सोचा यहाँ के रोड कहाँ गए, यहाँ पे बत्ती क्यों नहीं। और आज मेरे सामने ही देखते 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 पिछोर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, ये पूरा क्षेत्र बदल गया है। ये क्षेत्र 300 साल पहले से ये परिवार यहाँ काम कर रहा है और ये परिवार ने किसी को पीछे नहीं छोड़ा, न जात देखी, सिर्फ एक चीज देखा, काम, अपना प्यार अपने लोगों के लिए और अपना ये शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, चंदेरी का परिवार। सिर्फ काम से मतलब था और सिर्फ आपके प्यार से मतलब था। हर चुनाव में आती हूँ, हर चुनाव मुझे बहुत दुख लगता है क्योंकि महिलाएं पीछे रह जाती हैं। कोई कहता है खाना पका रही थी तो नहीं पहुंच पाए, कोई कहता है कुछ और काम के लिए नहीं पहुंच पाए, आज आप लोग सब पहुंच पाए। आवेदन आप सब लोग ने दे दिया और सेल्फी तो बहुत लिए, हाँ या ना? और सेल्फी लेने को सिर्फ एक ही उंगली चलाते हैं ना, एक बटन, तो 7 तारीख को एक बटन ही मैं आपको दबाने के लिए कह रही हूँ। आया ना, आप महाराज के हाथ मजबूत कीजिए। ये परिवार का हर एक लक्ष्य यही है कि इस परिवार की महिलाएं कभी पीछे नहीं रहीं, न उन्होंने उन्हें छुपाया और न उन्होंने उन्हें पीछे रहने दिया। 300 सालों से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिलाओं का परंपरा चला रहा सिंधिया परिवार में, और आज ये सिंधिया परिवार भी चाहता है कि यहाँ सब महिला उनके साथ चले, पढ़े लिखे, बाहर निकले, कुछ शुरू करें।